साथियों नमस्कार। मित्रों, ये जो ऋतु परिवर्तन का क्रम चल रहा है बड़ा घातक है, बड़ा परेशानी भरा है। इस समय शायद ही कोई ऐसा घर हो जहां पे व्यक्ति बीमार हो। आपका ये साथी भी दिवाली के दिन से डेंगू से पीड़ित था और अब जाकर के डेंगू से फुर्सत मिली। मित्रों, डेंगू का यद्यपि कोई बहुत इलाज परफेक्ट नहीं है, लेकिन मुख्यतः पैरासीटामॉल, अगर बीमारी बुखार है तो पैरासीटामॉल आप लीजिए, कम से कम 24 घंटे में 3 बार लेना चाहिए, 8-8 घंटे पे। और एलोवेरा और जितना संभव हो, एलोवेरा है, पपीता का जूस है, गिलोय है, इन सब चीजों को सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। गिलोय, एलोवेरा, उसी तरीके से जैसे कि कोई चीज, अगर पानी आपको टंकी में पानी है तो पानी में छेद हो गया है तो आप पानी कितना भी भरे वो पानी चला जाएगा, पानी निकलता चला गया। तो पहले आपको छेद बंद करना, तो छेद बंद करने का काम करता है एलोवेरा, और टंकी का जो भरने का काम करता है गिलोय। अगर गिलोय नीम के पेड़ की गिलोय मिल जाए तो ठीक है, अगर गिलोय आपको नहीं मिल सकती है तो आप जो है बाबा रामदेव जी की दुकानों पे, आउटलेट पे गिलोय के टैबलेट आते हैं, उनको ले सकते हैं, या किसी भी दूसरी आयुर्वेदिक दुकानों पे, यूनानी दुकानों से गिलोय की टैबलेट ले सकते हैं। और इसमें खास बात यह है कि पपीता का पत्ता का रस लिया जा सकता है, और अगर संभव है तो बकरी का दूध मिल जाए, इससे प्लेटलेट बहुत जल्दी बन पड़ते हैं। प्लेटलेट अगर 50,000 तक आए तो कोई बहुत चिंता नहीं, लेकिन 50,000 से नीचे फिर तो आपको अस्पताल जाना पड़ेगा, और अस्पताल में जो है ग्लूकोज या इस तरीके से चढ़ा के प्लेटलेट बढ़ाते हैं। तो लापरवाही करने की जरूरत नहीं, अगर कोई ऐसा बीमारी आ जाती है तो आपको यथा सामर्थ्य आपको आराम करने की आवश्यकता है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं दीपावली के दिन से बीमार था, अब जाकर के मैं बिल्कुल ठीक हुआ। हाँ, कमजोरी हो जाती, इनमें हाथों में बिल्कुल मुड़ते नहीं हैं, उंगलियां दर्द करने, अब सब ठीक हो गया है, पैरों में दर्द हो जाती है, और यहाँ तक कि मेरी तो हालत ऐसी हो गई थी, हालांकि 80,000 तक हमारी प्लेटलेट आ गई थी, मैं लेट के इधर से उधर नहीं हो पाता था, अब सब ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो अगर आप और घबराएं नहीं, घर पर हों, देहात में हों, चाहे जहाँ पे हों, आप अपना इलाज स्वयं ही अपने घर पे कर सकते हैं। और हाँ, इस पे खास बात यह है कि दूध ज़्यादा ज़्यादा मत लें। हाँ, बकरी का दूध आप ले सकते हैं, बकरी का दूध ठीक है, और वो भी कच्चा लें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अगर बकरी का दूध आप पका करके लेते हैं तो कठिनाई है। खैर, नमस्कार मित्रों, ये तो मैंने अपना हाल बताया। आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि इधर सरकारी सेवाओं में काफी स्थान निकलने वाले हैं। अब जैसे कि हाई कोर्ट में क्लर्क के जगह, मतलब जुडिशरी में, उत्तर प्रदेश जुडिशरी में, कोर्ट में काफी जगह निकल रही हैं, लिपिक वर्ग में, इसमें कंप्यूटर के, सी प्रोग्रामिंग और ये सब, फॉक्स प्रो, ये सब मालूम होना चाहिए, और प्रोग्रामिंग थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए, टाइपिंग अच्छी आती है, ये हो। इसके अलावा चपरासी के भी पद बहुत निकल रहे हैं, चपरासी के पदों के लिए कक्षा 6-8 पास हो तब उस पर भी भर सकते हैं। इसके अलावा टीचर्स के, अध्यापक में, अध्यापक भर्ती का एक बहुत बड़ा अभियान चलने जा रहा है, लगभग 16-17,000 टीचर्स के भर्तियां प्रस्तावित हैं, जल्दी ही प्रस्ताव हो रही हैं। और जो इसके अतिरिक्त जो
परिवहन विभाग में ड्राइवर्स और परिचालक के पद रिक्त होने वाले हैं, उनकी घोषणाएं होने वाली हैं। तो इन सब चीजों पे आप लोग अपना प्रयास कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए प्रयास ये होना चाहिए कि कहीं किसी भी प्रकार से बिल्कुल ही निश्चित कर लें, नंबर दो का रास्ता मत अपनाएं। कोई भी अगर आप कहता है कि हम करवा देंगे नौकरी, ये करवा देंगे, बिल्कुल झूठ बोलता है। कोई नौकरी वोकरी नहीं करवा सकता। आपको अपने प्रयास करना है, अपने इम्तिहान देना, अपना अप्लाई करिए ठीक से और उसकी तैयारी करिए, सीरियस होकर के पूरा वो करिए। कभी झूठ न झूठी सूचनाएं मत दीजिए और अपने पूरे उससे करिए। इसके अलावा जैसा कि हम समय समय पे आपको बताते रहे हैं, इधर बाधित हुआ है कार्यक्रम हमारा थोड़ा सा, तो संभव हो तो अपना दुकान खोलिए। अपनी कई हमने व्यवसायिक विषय बताया है, आगे भी व्यवसायिक विषय बताएंगे। इधर थोड़ी कमजोरी थी तो मैंने कोई बहुत अच्छी तैयारी नहीं किया है, गुरुवार चुकी था, इसलिए गुरुवार को आपको हम ये कार्यक्रम बताने का प्रयास करते रहे। तो मित्रों आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले दिन शुक्रवार को। तब तक के लिए नमस्कार।